समाजवादी पार्टी में जारी रस्साकसी के बीच मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर कहा है सपा का ना तो चुनाव चिन्ह बदलेगा और ना ही पार्टी टूटेगी। एसपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए मुलायम ने पहले इशारे में और फिर साफ तौर पर नाम लेते हुए पार्टी में विवाद के लिए एक बार फिर रामगोपाल यादव को जिम्मेदार बताया। मुलायम ने कहा कि रामगोपाल अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। वो चार बार दूसरी पार्टी के अध्यक्ष से मिल चुके हैं। इस दौरान शिवपाल यादव भी मुलायम के साथ मौजूद थे। ये सब हैं वो हमारे हैं पूरी। और मैंने ये भी कहा कि कुछ जनता और कार्यकर्ता हमने पूरा भरोसा है कि पार्टी पार्टी कर रहे हो न तो समाजवादी पार्टी ना बन रहे हैं और ना हम चिन्ह बन रहे हैं। आज आप पता है पार्टी का नाम अखिल भारतीय समाजवाद पार्टी नाम और वो मोटरसाइकिल चिन्ह ये किन्नी ने चिन्ह दिया अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भावुक अपील करते हुए मुलायम ने कहा जो मेरे पास था सब दे दिया, अब मेरे पास आप ही लोग हैं। मैं ये बता दूं पहला हमने आपकी राय की अच्छा अब क्या बचा मेरे पास कुछ नहीं सही है नहीं जी 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 बिल्कुल जी बोला कुछ नहीं जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा दे दिया। अब मेरे पास क्या है मेरे पास आप लोग हैं हम लोग आजीवन रहेंगे। जो इनका तुम्हारे पास क्या बचा मेरे पास कार्यकर्ता सशक्तिया जिला है जिले का डायरेक्टर हुए वो और जनता जब उन्हें समर्थन दिया जिनकी बदौलत हम यहाँ है खड़ा हुआ जी जी अखबार ये जनता की बदौलत का हम यहाँ है और वो है हमारे तो ये सब हैं वो हमारे हैं पूरी का पूरी। और फिर मैंने ये भी कहा कि कुछ जनता और कार्यकर्ता हमने पूरा भरोसा है कि पार्टी जीतने जाएगी पार्टी को जीतने। मुलायम सिंह ने साफ कह दिया कि अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी और नया निशान मोटरसाइकिल लाना चाहते हैं तो जाए अपनी नई पार्टी बनाए, लेकिन पार्टी नहीं टूटेगी, ना पार्टी का निशान बदलेगा और ना ही नाम। 31 दिसंबर से अब तक मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह की 8 कोशिशें हो चुकी है, ये सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।